आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टिप्स में और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। वहाँ पे कई सारे PDF नोटिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं या फिर इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ भी हो, हम लोग वहाँ पर अपलोड करते हैं ताकि आपको जो है ईजिली जो है एक्सेसिबल हो। ठीक है, आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर पाए, इजीली आप देख पाए और सबसे पहले आपको न्यूज़ जो है वो मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, पूरा लास्ट तक एग्ज़ाम जो है पूरा वीडियो देखिएगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, ये वीडियो वैसे भी जो है आपको पता ही हो गया होगा अभी तक कि EPFO SSA के बारे में है 2023 का, जैसे कि एग्जामिनेशन पता है आपको हो चुका है। ठीक है, और रिजल्ट की जो है वेट यहाँ पे चल रही है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूरी जो है जानकारी मैंने यहाँ पे निकाला है, तो सबसे पहले तो चल लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन कब हुए थे वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के जो है वो डेट मिल जाएंगे कि कब से कब हुआ था, जैसे कि 18, 21, 22, 23 ऐसे है। ठीक है, अगस्त में 1 सितंबर को आंसर किया आया था और अभी तक रिजल्ट जो है वो यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, वैकेंसीज जो है 2859 यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन का आपको पता है कि कितने फेजेस में है। टोटल अगर आप मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स जो था वो 600 नंबर का था, और जो है हम लोग कटअप के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और जो है सो ये सारी चीज़ें जो वो कई सारे जो है यहाँ पे अगर बात कर लेते तो चीज़ों पे आधारित है। ठीक है, कई सारे जो है वो यहाँ पे आए थे, ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट की जो है वो कई जानकारी के हिसाब से है, और जो है मेनली लोग कह रहे थे कि जो है वो 400 के आसपास वाले ज़्यादा थे। ठीक है, उसमें से आई थिंक 40% के आसपास लोग जो है वो 400 नंबर को बोल रहे थे, उसी हिसाब से बनाया हम लोगों ने। और नॉर्मलाइजेशन के बाद है यहाँ पे थोड़े से चीज़ें और भी चेंज हो सकती है, बट अभी देख लीजिए। जनरल की बात कर लेते हैं, 400 नंबर उनका जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, के आसपास है, आप -10 +10 रख लीजिए, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे जो से देखने को मिल सकता है। EWS की 190, ठीक है, 390 है। OBC की भी जो है वो इसी के आसपास रहेगी, 390। SC का जो है वो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, 350 के आसपास। वहीं पे ST की बात करें तो 340 नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें थोड़े बहुत जो है वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट आपको इसी के आसपास जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रिजल्ट की बात रही कि रिजल्ट कब तक आएगा, ये एक जो है गंभीर मुद्दा रहने वाला है, मेन रहने वाला है। तो देखिए, ऑलरेडी से आपको पता है ये NTA ने कराया था, और NTA जो है वो लगातार रिजल्ट टाइमली मुझे लगता है कि देती ही देती है। तो आप मान के चलिए कि आपको जो है इसी मंथ तो देखने को मिलेगी, ये तो कंफर्म है। साथ ही साथ आपको जो है 12 से 14 तारीख के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिड अक्टूबर जो आप मान के चलिए कि मिड अक्टूबर में, मतलब 15 के आसपास में आपको देखने को पक्का मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और आप जरूर से कमेंट सेक्शन में अभी भी बता सकते हैं कि आपका जो है कितना नंबर आ रहा है, तो ठीक है वो सारी चीज़ें हमें बताएं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कुछ भी अगर आपको और भी डाउट है तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।